हेलो, एक बार मिल ले लो भैया। देखो स्माइल, देखो वाह वाह, फोटो जी नहीं क्या? हाँ जी नमस्कार, मैं मोहम्मद अजीज। मैंने आज ही एक गाना रिकॉर्ड किया, ये शिव जी का भजन है, फिल्म का नाम है राजा ठाकुर, राजा इलाहाबाद। ओ तेरी, चलो मिस हो गया। हाँ सर, चलिए। हाँ जी नमस्कार, आदाब। मैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज। आज मैंने गाना गाया, फिल्म का नाम है राजा इलाहाबादी, और जिसके प्रोड्यूसर हैं राजा ठाकुर, और डायरेक्टर हैं बिरजू पाल, और राइटर भी वही हैं। अब बहुत अच्छा बनाया गया, संगीतकार मनोज मोहित जी, मनोज मोहित जी का लिखा हुआ और उन्हीं की कंपोजिशन है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी अच्छी फीलिंग है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक सोशल ड्रामा वाली फिल्म है, मज़ेदार फिल्म, उम्मीद करता हूँ अच्छी बनेगी। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको? बोल दिया ना। अरे बाबू बोलिए, एक्सपीरियंस क्या, कुछ नहीं है। इतना एक्सपीरियंस तुम्हारी जितनी उम्र उससे ज़्यादा मैंने गाने गा लिया। हाँ जी चलिए। हाँ जी हाँ, चलो बस समझ गए मेरे भाई। ये भजन है और शिव जी का भजन है, और इस तरह के जो गाने होते हैं, भजन भजन जो होते हैं, इसमें अपने आप एक फीलिंग आती है, और इसको फील करके गाओ तो और मज़ा आता है। बहुत अच्छी कंपोजिशन, मैंने जैसे पहले बता दिया मैंने, तो बहुत अच्छी कंपोजिशन, और इत्तेफाक से मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। इसके अलावा मैं रमज़ान का महीना चल रहा है, तो कुछ कहना चाहिए? जी जी, रमज़ान का महीना है, रोज़े रखिए, फजीलत का महीना है, पाक महीना है, और सब मिलजुल के रहिए और खूब इबादत कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक हम सब की दुआ कबूल करे, हमारे रोज़े कबूल करे। ऑल द बेस्ट। इसके बाद ईद है, ईद में खूब गले मिलिए, सेवैयाँ खाइए। नहीं मालूम है कुछ। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, तुम्हारे हाथ में ये थोड़ा सा कैमरा ना। जी सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। रमज़ान का दिन चल रहा है, उसके लिए सभी को मुबारक हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म का नाम है राजा इलाहाबादी, इसमें मैं एज ए राइटर डायरेक्टर हूँ, और मेरे फ्रेंड हैं, मतलब इसके प्रोड्यूसर हैं राजा ठाकुर। या तो आज मोहम्मद अजीज जी ने ये आर्यन स्टूडियो अपना मुंबई में, उन्होंने शिव भजन गाया है, सिचुएशन सॉन्ग है, शिवरात्रि का है, और काफ़ी अच्छा प्यारा सॉन्ग था, और इसके गीत संगीत मनोज मोहित जी ने किए हैं। और कैसा रहा है उनको ही शिव जी का गाना क्यों दिया गया, कुछ बताना चाहिए क्या? बेसिकली देखिए, हम लोग इस फील्ड में जब से मतलब फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ, बचपन से आज तक उनका काफ़ी मैंने गाना सुना, और काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे भजन भी गाए हैं। तो क्या होता है, गाना का जो सिचुएशन, जो कैरेक्टर होता है, अगर ये जो हमारे कैरेक्टर है, मतलब हीरो के फादर हैं, ठीक है, ये गाँव के पंडित हैं, तो उनके ऊपर ये गाना है, इसके हिसाब से मैंने देखा कि नहीं मोहम्मद अजीज जी ही फिट हो गए। फिल्म की शूट खत्म हो चुकी है? नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तो गाना रिकॉर्ड किया हूँ मैं, शूटिंग तो गाना डब करने के बाद होती है ना, बस ये अगले हफ्ते में शूट पे जा रहा हूँ मैं गुजरात में। ओके, किस तरह की कहानी, कुछ बताना चाहिए? ये फैमिली स्टोरी है, दो भाई का कहानी है, और मतलब इसमें एक्शन, रोमांटिक, मतलब पूरा फुल कॉमेडी भी है, मतलब एंटरटेनमेंट स्टोरी है। कब तक इसका ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, कुछ बताना चाहिए? अभी देखिए, अभी शूट पे मैं, मतलब इस मंथ में मेरा चालू हो जाएगा शूट, तो आपका सितंबर तक में गाने, ट्रेलर वगैरह सारे आ जाएंगे। तो दो तीन महीने तो टाइम लगते हैं। कास्ट के बारे में कुछ बताना चाहिए? स्टार कास्ट माय फ्रेंड सूरज जी हैं, मतलब कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है, बट मेरी फिल्म के लिए मेरे लिए स्टार हैं, और ये आलिया जी हैं, और मैं इनको बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि मतलब हमारे फिल्म से जुड़े, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पंजाब से हैं, ये बॉम्बे से हैं आलिया जी, थोड़ा सा मेरा कास्टिंग और अलग है, मतलब एक्चुअली मैं भोजपुरी फील्ड से जुड़ा हूँ, पहली बार मैं हिंदी करने जा रहा हूँ एजेंट। तो कितनी तैयारी की हिंदी फिल्म, बहुत बड़ी बात है, बॉलीवुड। हाँ ओके, बस एक मिनट।
रिकॉर्ड हुआ है और बड़े संगीतकार यहाँ पर आए, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी फिल्म के लिए? एक्चुअली मुझे पहली बार तो उनकी सिस्टर का रोल मिला है, सो क्वाइट गुड. मैं अभी मैंने गाना भी सुना, गाना भी अच्छा था, भजन था एक्चुअली, तो अच्छा लगता है ऐसी वॉइसेस सुनना. कभी कभी ज़्यादा मिलता नहीं सुनने के लिए. तो बॉलीवुड में आप डेब्यू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी की है डेब्यू करने के लिए हिंदी फिल्म से? तैयारी तो चलती रहती है समाओ. सूरज के अपोजिट मेरा रोल है एंड के साथ में एक ऑलरेडी एल्बम कर चुकी हूँ, सो कंफर्टेबल है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आलिया खान से आलिया भट्ट बनने जा रहे आप? नहीं, मैं आलिया खान ही ठीक हूँ. तो बॉलीवुड की बात करें तो कौन है आपकी इंस्पिरेशन, मुझे बताना चाहिए? इंस्पिरेशन तो करीना कपूर है, ऑलमोस्ट सबकी होती है. और इसके अलावा कौन से स्टार हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर फ्यूचर में, अगर आप बात करें बात करो तो? शाहरुख खान ऑब्वियसली. इसके अलावा आपको कब लगा कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, इस तरह का कब लगा कि दूसरे भी फील्ड आप कर सकते थे लेकिन ग्लैमर क्यों? बॉलीवुड से पहले मैं मॉडलिंग में थी, मैंने शूट्स किए काफ़ी मेकअप के रिगार्डिंग, मैक के लिए शूट किया है मैंने और भी मैगजीन्स के लिए शूट किया है. फिर मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट लाइक चेंजेस आने चाहिए, तो मैंने ट्राई किया बॉलीवुड में. तो वर्कशॉप कितनी हुई इस फिल्म के लिए, कुछ हुई है आपकी, के स्क्रिप्ट कुछ सुनाया गया है किस तरह का? नहीं, अभी फ़िलहाल ये मूवी के लिए तो नहीं हुआ है, इसके पहले मैंने किया है काफ़ी, तो उस पर हुआ था सब. थैंक यू सो मच, वेलकम. सॉन्ग का रिकॉर्डिंग और वेरी फेमस सिंगर आए थे, तो क्या? हाँ जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार. या गाना काफ़ी प्यारा था, शिव भजन था. वैसे जो सुबह की शुरुआत होती है वो ऐसे ही कुछ मधुर आवाज़ से होनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के. तो फिल्म की आपकी बात करें तो आपका क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ बताइए? मेरा मेन लीड का कैरेक्टर है, सो ये दो भाइयों की कहानी है, तो उसमें दो भाइयों से जो छोटा भाई है उसका मैं किरदार निभा रहा हूँ. तो कब आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, दूसरे स्टेट से मुंबई का सफ़र कैसा रहा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी लगा कि एक्टर बनना चाहिए, बस शौक थोड़ा थोड़ा आता गया, फिर बोले चलो यार ट्राई कर लेते. तो मतलब मैं जानना चाहता था, तो गांव के आप इतने दूसरे स्टेट से आए, मुंबई आना बहुत डिफिकल्ट होता है, दूसरे शहर से आना. हाँ जी, मुंबई और यहाँ की जर्नी कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से ये काम मिला है? आर यू डेब्यूइंग दिस फर्स्ट फिल्म, राइट? नो, एक्चुअली मैंने एक मराठी फिल्म भी एल्बम किया हुआ है आलिया जी के साथ ही, एंड देन गढ़वाली फिल्म भी की हुई है, वो भी एज ए लीड की हुई है, एंड ये अभी हिंदी में करने जा रहा हूँ. ओके, क्या कैरेक्टर है कुछ बताना चाहेंगे ये फिल्म का? वो जो जैसा मैंने आपको कहा कि ये दो ब्रदर्स की स्टोरी है, तो उसमें से छोटा भाई का किरदार निभा रहा हूँ मैं. ओके, और कितनी तैयारी की, कुछ वर्कशॉप हुआ है? तैयारी बस चल रही थी, अभी और काफ़ी करनी है, स्क्रिप्ट मिल जाएगी, फिर उसके बाद जितना हो रहा करेंगे. इसके अलावा अगर बात करें तो आपके कौन है इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन वैसे तो कहीं नहीं, एक्चुअली मैंने अपने पापा को इंस्पिरेशन माना हुआ है, क्योंकि वो एक रियल लाइफ के हीरो है. एंड हाँ, अक्षय कुमार मुझे काफ़ी पसंद है, उनका रूटीन, उनका जो लाइफ साइकिल, उनका जो है वो काफ़ी पसंद है मुझे. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे, आज गाने की रिकॉर्डिंग हुई है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? अब गाने की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुई है, और हम चाहते हैं ये फिल्म में जहाँ जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना. संगीत पे मतलब विशेष ध्यान दिया गया. उनको बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, मोहम्मद जी के बारे में बोल दीजिए ना कि उनका गाना गाया अच्छा लगा. आप बीच में मत बोलिए, वो बोलेंगे. उनको मैं दे रहा हूँ तभी बोल पाएंगे, पर उनको शर्म लग रहा है क्योंकि वो बोल रहे थे, अपने बोलिए. आप बोलिए, आप डरिए मत. हाँ बोलिए बोलिए, शुभकामनाएं दीजिए. गाने की रिकॉर्डिंग थी, गाना कैसा लगा आपको वो बताइए. गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सर मोहम्मद अजीज आए थे, गाना भजन जो गाए बहुत अच्छा, और फिल्म में चाहते हैं गाना जितने गाने सेवन गाने हैं, सेवन गाने में बहुत बिंदास गाने हैं, और हम चाहते हैं कि गाना से फिल्म में अच्छा हो. और सर हमारे बेजू सर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, और उनसे मुलाकात हुई हमारी इलाहाबाद में, तो सोचे कि चलिए साथ मिलकर काम करते हैं, और हम तो कुछ दूसरे काम करते थे, तो मुलाकात होने के बाद तो हम कहा फिल्म लाइन में आगे आने की कोशिश करने लगे. तो उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? किनको? बिरजू जी को. अरे बिरजू साहब क्या करके हैं, उनको जितना तारीफ करें उतना ही कम है. दादा कुछ क्या बोले, दादा थैंक यू. ओके.